आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। जुम्मे की नमाज पर पिछले दो बार से उत्तर प्रदेश से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। प्रयागराज, कानपुर और उसके अलावा अन्य कई जनपदों में पिछली बार जुम्मे की नमाज पर हिंसा हुई थी, वह इस बार पुलिस उसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। और आज जुम्मे की नमाज होगी, उससे पहले पुलिस अपनी तैयारियों में जुट गई है, साथ ही तैयारियां पूरी भी हो चुकी है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज को अदा करने की अपील की गई। जहां एक तरफ संवेदनशील इलाकों में पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर प्रदेश के 5 जनपदों की तस्वीर देख रहे हैं, जहां जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर एक्टिव है। साथ ही जनपद के लोगों से पुलिस प्रशासन इस दौरान अपील करती हुई भी नजर आ रही है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज को अदा करें। वहीं अगर बात करी जाए तो बीते दो बार से दो जुम्मे की नमाज ऐसी थी जब प्रदेश के कई जनपदों से हिंसा की खबरें सामने आई थी, जबकि इस हिंसा की शुरुआत कानपुर से हुई थी। नुपुर शर्मा के बयान पर यह हिंसा कानपुर से शुरू हुई थी, और बीते दिनों जो जुम्मे की नमाज के दौरान हिंसा हुई थी, उसमें भी जो दंगाइयों की तस्वीर हमने देखी कि किस तरह से दंगाइयों ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया, पत्थरबाजी की, पुलिस कर्मियों को घायल किया, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, ये सभी तस्वीरें प्रदेश ने देखी थी और प्रदेश इन सभी तस्वीरों का गवाह बना था। वहीं अब दोबारा से ऐसी तस्वीरें ना देखने को मिले, जिसको लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर एक्टिव हो चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से हमारे संवाददाता जीशान और लखीमपुर खीरी से धीरज जुड़ चुके हैं। धीरज, आज जुम्मे की नमाज होनी है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन कितना कुछ अलर्ट नजर आ रहा है और जनपद में क्या कुछ तैयारियां पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है? लखीमपुर खीरी में जो आज जुम्मे की नमाज 1 बजे 1 के 2 के बीच में होनी है, उसको लेकर जिला प्रशासन जो पूरी तरीके से अलर्ट है। जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सेक्टर प्रभार के हिसाब से बांटा गया, चप्पे चप्पे पे जो पुलिस व्यवस्था तैनात की गई है। मस्जिद है, मस्जिद के 100 मीटर के दायरे के अंदर भी अंदर न कोई दुकान न कोई पार्किंग वगैरह लगाई जा सकती है। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जो पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है, उसको लेकर जैसे अभी इसके पहले जो जुआ की नमाज हुई थी उसमें भी झड़पें हुई थी, अन्य जनपदों में भी। जी जिशान, अगर देखा जाए तो इस वक्त आगरा का माहौल कैसा बना हुआ है? जी जिशान, जी जिशान, जुम्मे की नमाज को देखते हुए इस वक्त आगरा का माहौल कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, आगरा का माहौल बिल्कुल शांतिपूर्वक बना हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं जो आगरा का संवेदनशील इलाका है, आप साफ तौर से देख सकते हैं ये आगरा की शाही जामा मस्जिद है जो गेट नंबर 1 है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने आते हैं। और अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की तो आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की भी काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्तैदी की गई है। आगरा SSP भी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कहा जाए कि पूरे पुख्ता पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे फुल पुख्ता इंतजाम यहाँ पर देखने को भी मिल रहे हैं। जी मुस्कान, धीरज, अगर देखा जाए तो इस वक्त लखीमपुर खीरी में कितने मस्जिद मौजूद है और उनके बाहर पुलिस का कितना पहरा देखने को मिल रहा है, पुलिस ने क्या कुछ तैयारियां की है? लखीमपुर जनपद की सुरक्षा व्यवस्था की अगर आप बात करें तो जितने भी जनपद में मस्जिद है वहाँ पर पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात की गई कि कहीं ना कहीं छोटी सी भी वारदात न होने पाए। जो जिले के आला अधिकारी हैं, कल से ही पूरे सेक्टर प्रभारियों के हिसाब से जो सुरक्षा व्यवस्था को तैनात किया गया है, कि अन्य जो जिले के जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके साथ भी कल बैठक की गई थी, जो हर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनसे जो चर्चा की। उसके बाद में जो आज सुबह से ही पुलिस अलर्ट मोड पे है हर जगह पे, जनपद में जहाँ जहाँ पे मस्जिद है 100 मीटर के दायरे तक जो पुलिस तैनात की गई है, कहीं ना कहीं और जो वहाँ पे पार्किंग वगैरह जो मस्जिदों के बाहर पार्किंग वगैरह नहीं, 100 मीटर के दायरे में ना ही कोई दुकान लगाई जा सकती, तो कहीं ना कहीं पे लखीमपुर जनपद में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है।
बिल्कुल जीशान, अगर देखा जाए तो बीते दो बार से जुम्मे की नमाज को लेकर प्रदेश के कई जनपदों से हिंसा की खबरें सामने आ रही थी, तो इस दौरान पुलिस द्वारा लोगों से क्या कुछ अपील की गई है नमाज को लेकर? जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सभी धर्मगुरुओं से संवाद भी किया गया, जिसको लेकर सभी जो मुस्लिम पक्ष के धर्मगुरु हैं उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आगरा सुलेकुल की नगरी है, यहाँ पर कोई अशांति का माहौल नहीं होगा, अभी फिलहाल यहाँ पर शांति का माहौल है। और सभी धर्मगुरुओं ने ये आश्वासन दिया है कि आगरा का माहौल हम खराब नहीं होने देंगे। सभी लोगों ने जो धर्मगुरु हैं आगरा के मुस्लिम समाज के, उन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए सभी आगरा की आवाम को शांतिपूर्वक माहौल बनाने का आश्वासन दिया है। और कह सकते हैं हम कि ताजनगरी में बिल्कुल शांति बनी हुई है, पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है, ड्रोन से भी निगरानी यहां पर रखी जा रही है, मौके पर सभी आला अधिकारी आगरा की सारी जामा मस्जिद पर मौजूद है। जी धीरज, अगर देखा जाए तो लखीमपुर में पुलिस प्रशासन तो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन वहां के शहर काजी कौन है और उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे जुम्मे की नमाज को लेकर क्या कुछ अपील की है कि वो किस तरह से जुम्मे की नमाज को अदा करें? उन्होंने पूरी तरीके से जो जिले के लोग शांतिपूर्वक नमाज अदा करने की बात कही है, पूरी तरीके से जो मस्जिदों के लोग उनसे वार्ता भी की गई, बैठक की गई है, उनके साथ तौर से कहा भी गया है वार्ता करके कि कहीं न कहीं शांतिपूर्वक जो जुमे की नमाज अदा करें, शांति बनाए रखें पूरी तरीके से। निशान, इस वक्त आप मस्जिद के बाहर मौजूद है तो हम चाहेंगे कि आप एक बार जो हमारी जनता है उसको मस्जिद के बाहर की तस्वीरें दिखाएं और मस्जिद के बाहर का माहौल बताएं कि किस तरह से पुलिस मुस्तैद और कितनी संख्या में वहां पुलिस मौजूद है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये शाही जामा मस्जिद के सामने की दुकानें हैं, यहाँ पर बिल्कुल शांति बनी हुई है, सारी दुकानें खुली हुई है और यहीं पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। आप देख सकते हैं ये सब दुकानें हैं जो मुस्लिम समाज के लोगों की दुकानें हैं, शांतिपूर्वक तरीके से दुकानें खुली हैं, कोई ऐसा जैसे कहते हैं कोई हिंसा की अगर कोई तैयारी होती है तो लगातार दुकानें भी बंद रहती हैं, यहां पर मौके पे पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद कर दिया गया है। मैं साफ तौर से आप देख सकते हैं कि आगरा SSP जो मौके पर है और तमाम बड़े अधिकारी भी है। आइए हम आपकी बात कराते हैं सर, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है? व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है, जैसा आप देख रहे हैं पूरे जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की गई है और पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट साथ साथ राउंड पर हैं। हमारे जितने भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी राउंड पर हैं और आज सुबह मॉर्निंग में भी फ्लैग मार्च कराया गया था संवेदनशील स्थानों में, जहां मिक्स पॉपुलेशन थी वहां पर भी लोगों से बात की गई है, पिकेट्स लगाए गए हैं, ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है और हम लोग पूरी तरह अलर्ट हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आज का जो शुक्रवार है ये बहुत शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा होगी। देखा आपने, ये थे हमारे साथ SSP सुधीर कुमार जो कह रहे हैं सुबह ही हमने यहाँ पर फ्लैग मार्च किया है और सभी संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया है, आगरा पुलिस काफी अलर्ट दिखाई दे रही है, यहाँ बिल्कुल शांति बनी हुई है। जी मुस्कान, धीरज अगर देखा जाए तो पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाकों में जो पैदल मार्च है वो तो किया गया, लेकिन क्या वहां पे ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है? क्या कुछ ऐसी तस्वीरें लखीमपुर खीरी से निकल के सामने आ रही है? जी धीरज की बात करें या हम सदर की बात करें तो वहां पर पूरी तरीके से जो ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं उनसे भी निगरानी की जा रही है, लेकिन जो सेक्टर वार सुरक्षा व्यवस्था बांटी है तो पूरी तरीके से जो जिला प्रशासन है अलर्ट है, कहीं ना कहीं पे छोटी छोटी भी वारदात न होने पाए पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है जिला प्रशासन के द्वारा। जिशान, अगर देखा जाए तो जब भी कोई ऐसा दंगा होता है तो उसमें सोशल मीडिया एक अहम रोल निभाता हुआ नजर आता है, तो सोशल मीडिया पर इस वक्त कैसे उस पर निगरानी रखी जा रही है, किस तरह से सोशल मीडिया पर जो है वो पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है? देखिए मैं आपको बिल्कुल बता दूं, आगरा पुलिस प्रशासन का जो साइबर क्राइम है वो सोशल मीडिया पर खास निगाहें रखा हुआ है। आगरा की खुफिया एजेंसी की अगर बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, तो खास तौर पर सोशल मीडिया पर निगाहें भी रखी। नैनाना जाट में एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ था जो वहां पर ड्रोन से भी निगरानी की गई थी, लगातार कहा जा रहा है कि वहां की मस्जिदों में और वहां के अलावा जो छतें हैं वहां पर पत्थर इकट्ठे कर दिए हैं, लेकिन अगर हम आगरा के खुफिया विभाग और इंटेलिजेंस की बात करें तो काफी सतर्क दिखाई दे रहा है।
उस पूरे मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, जिसमें से एक सपा का नेता भी था जिसको पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी अभी फिलहाल नहीं हुई। आगरा में सोशल मीडिया पर खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है। धन्यवाद ईशान आगरा से हमारे साथ जुड़ने के लिए और धीरज लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने देखा कि हमारे दो जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और उन्होंने जुम्मे की नमाज को लेकर वहां का हाल बताया। वही बात अगर आगरा की करी जाए तो वहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मस्जिद के बाहर मुस्तैद नजर आ रही है, जबकि लखीमपुर खीरी में ये पुलिस द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि पूरी तरह से जुम्मे की नमाज जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि जो मस्जिद है उसके 100 मीटर के दायरे तक कोई भी गाड़ियों की पार्किंग नहीं होगी। तो इससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से बीते 2 जुम्मे की नमाज से प्रदेश के कई जनपदों से हिंसा की खबरें सामने आई थी, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए पुलिस इस बार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से आगरा, अलीगढ़, चंदौली, बुलंदशहर और श्रावस्ती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ धर्मगुरुओं से पुलिस द्वारा संवाद किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस द्वारा पैदल गश्त के जरिए जनता को यह एहसास कराया जा रहा है कि वो सुरक्षित है। साथ ही साथ लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो पूरी शांति के साथ जुम्मे की नमाज को अदा करें। साथ ही आपको बताते चले कि इस हिंसा की आग भाजपा की निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान से लगी थी, जिसकी पहली हिंसा की खबर उत्तर प्रदेश की उद्योग नगरी कानपुर से सामने आई थी। उसके बाद प्रयागराज, मुरादाबाद, तमाम ऐसे कई जनपद थे जहां पर नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, उनकी गिरफ्तारी की मांग उठाई गई थी। ये वही जनपद है जहां पर हिंसा की खबरें सामने आई थी, जहां पर उपद्रव की खबरें सामने आई थी कि किस तरह से उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था, जमकर दंगाइयों ने पुलिस पर पथराव किया, जो सार्वजनिक संपत्ति है उनको नुकसान पहुंचाया। वहीं अगर बात कानपुर की हम करें तो कानपुर में बीते 3 जून को जो जुम्मे की नमाज के दिन हिंसा हुई थी, लगातार उस मामले को लेकर नया खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पीएफआई और तमाम कई ऐसे कनेक्शंस हैं जो निकल के सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिन जिन भी जगहों पर दंगाइयों का जो भी मास्टरमाइंड था, उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी होती हुई नजर आ रही थी, जिसकी तस्वीरें पूरे प्रदेश ने देखी थी कि किस तरह से दंगा करने वालों के खिलाफ सीएम योगी ने सख्त एक्शन लेते हुए उनके घर पर बुलडोजर चलाने का निर्देश दिया था। वहीं आज हिंसा के बाद ये तीसरे जुमे की नमाज होने जा रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि कहीं भी प्रदेश से किसी भी तरह की हिंसा की खबर सामने ना पाए, जिसको लेकर एक तरफ पुलिस प्रशासन द्वारा जनपद में पैदल गश्त की जा रही है, जो जनपद के अधिकारी हैं वो लगातार जनता के बीच पहुंचकर जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों से ये भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस जुम्मे की नमाज को अदा करें। वहीं अगर बात करी जाए तो सुरक्षा की दृष्टिगत कई जनपदों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है, जिससे कि हिंसा नहीं होने पाए। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी भी तरह से किसी भी हाल में हिंसा की खबर सामने ना आने पाए, इसको लेकर संवेदनशील इलाके चिन्हित कर लिए गए हैं, वहां पे ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। पुलिस प्रशासन खुद चप्पे चप्पे पर तैनात है, भारी पुलिस फोर्स जो है इस वक्त जनपदों में, प्रदेश के सभी जनपदों में तैनात नजर आ रही है कि कहीं से भी कोई भी ऐसी खबर सामने ना आने पाए, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस दौरान इन सारी हिंसा को लेकर नजर बनाए हुए हैं और लगातार दंगाइयों के खिलाफ, उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश जारी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नजर आ रहे हैं। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु और रायबरेली से अजय जुड़ चुके हैं। अजय, अगर देखा जाए तो आज जुम्मे की नमाज है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है ताकि जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से जनपद में अदा की जा सके? जी अजय, हिंसा हुई है उसको लेकर अगर बात की जाए तो रायबरेली की, रायबरेली में जुम्मे की नमाज को लेकर जो लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन है वो पैदल मार्च करता नजर आ रहा था और लगातार करता आ रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर थाने के जो लोग हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो धर्मगुरु ।
विभांशु, बीते दिनों अगर देखा जाए तो जब जुम्मे की नमाज हुई थी तो मस्जिदों के बाहर लोगों ने नारेबाजी भी की थी, तो उन सब से बचने के लिए इस बार पुलिस कितनी मुस्तैद नजर आ रही है? क्या कुछ तैयारियां पुलिस द्वारा की गई है मस्जिदों के बाहर? जी विभांशु, कई जगहों पर हिंसा की खबर आई थी, जिसको देखते हुए प्रशासन इस बार के जुमे को लेकर अलर्ट में है। वहीं आपको बताएं कि जब पिछला शुक्रवार था तो लखनऊ के टीले वाली मस्जिद से नारे लगाए गए थे, जिससे आपको बताया कि मुकुट शर्मा की गिरफ्तारी समेत तमाम नारे लगाए गए थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि मुकुट शर्मा जो मोहम्मद को अब आपत्तिजनक शब्द कह रहे हैं उसको वापस लेकर उनकी गिरफ्तारी की जाए, इसके साथ नारे भी लगाए गए थे। उसी क्रम में आपको जुमे की नमाज है, इसी को देखते हुए लखनऊ प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में है। वही आपको बताएं कि बाइक जारी करके तमाम जो धर्मगुरु है साथ ही साथ लोग हैं मुस्लिम समाज के, उनसे शांति से नमाज अदा करते उनसे विनती किया। साथ ही साथ आपको बता आज नमाज को देखते हुए लखनऊ के जितने भी मस्जिद है उसके और एसआई और एसएचओ को दी गई है उनकी जिम्मेदारी होगी। साथ ही साथ आपको बताएं कि सोशल मीडिया टीम को किया गया है कि ऐसे कुछ अचानक तत्व जो समाज के सौहार्द को ना खराब कर सके उनको भी निगरानी रखने की बात कही जा रही है। वही आपको बताएं कि लखनऊ के पुराने लखनऊ और जो मिश्रित आदिवासी इलाके है वहाँ ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। अलर्ट मोड पे रखा गया है, लोकल पुलिस को पूरे अलर्ट मोड पे रखा गया है कि हर एक चीजों पे वो नजर बना रही है। साथ ही साथ अगर कुछ ऐसे चीजें दिखे तो वो करे उस पे कार्रवाई की जाएगी। उसी के बाद आपको बता जी आज अगर देखा जाए तो इस वक्त आप रायबरेली में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तो पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाके कितने चिन्हित किए गए हैं और उनकी किस प्रकार से निगरानी की जा रही है? क्योंकि लखनऊ में तो ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है, तो क्या ऐसी तस्वीरें रायबरेली से भी सामने आ रही है? यहाँ की बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर ड्रोन कैमरा है, पुलिस प्रशासन जाके खुद लोगों से बातचीत कर रहा है और जिस तरीके से वहाँ पर मस्जिदों पे तैनात की गई है और एक जो नया नियम निकाला गया कि 100 मीटर के दायरे पर ना तो कोई वाहन खड़ा होंगे और ना कोई दुकानें लगेंगी। जिस तरीके से भीड़ भाड़ का इलाका जो देखा जा रहा है वहाँ पे लगातार पुलिस फोर्स मौजूद है। अभी आपने देखा कि लगातार स्कॉट से जो उच्च अधिकारी हैं वो पूरी तरह से भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र में जा जाके लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को अपील की जा रही है, किसी तरीके से उपद्रवी जो है वो इस तरह से निकल के ना। हालांकि ऐसा अभी तक नहीं देखने को मिला है, पूरा तरीके से बात की जाए तीसरा जुम्मा है और अभी तक शांति का माहौल बना है। लोगों से यही उम्मीद है कि आगे चल के यही शांति का माहौल बना रहेगा। बिल्कुल विभांशु, अगर देखा जाए तो इस वक्त लखनऊ के शहर काजी कौन है और उन्होंने जुम्मे की नमाज को लेकर क्या कुछ अपील लोगों से की है कि किस तरह से वो जुम्मे की नमाज को अदा करें? चलते हैं अजय के पास, विभांशु से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अजय, अगर देखा जाए तो इस वक्त आज जुमे की नमाज और पुलिस प्रशासन सुबह से ही पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, तो शहर के काजियों ने क्या कुछ अपील की है मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि वो किस तरह से जुमे की नमाज को अदा करें? जी आपको बता दूं, चाहे चौकी हो, चाहे तहसील हो, चाहे थाना पर हो, इस जगह पर सब सभी धर्म गुरुओं को बुला करके जिसके कमेटी बैठक की गई उससे बताया गया कि जो है शांति का माहौल बनाए रखें, जिस तरीके से नमाज पढ़ा जाएगा, नमाज पढ़ के सब अपने अपने घर चले जाते हैं। क्योंकि अभी तक बात की जाए अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूरी तरह से शांति का माहौल बना हुआ है। लोग यही अपील कर रहे हैं कि जो लगातार शांति का माहौल बना हो, क्योंकि जो नए एसपी हैं यहाँ पे, नए जो डीएम है माला श्रीवास्तव, एसपी आलोक श्रीवास्तव जो लगातार भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्रों में, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बात कीजिए रात हो या बिरात हो जिस तरीके से वो भ्रमण करते नजर आ रहे हैं, चाहे बाइक पे हो पैदल हो, लगातार भ्रमण करते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से बात कर रहे हैं धर्मगुरुओं से, तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जो है ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। जो शांति बनी है वही शायद कायम रहेगा। विभांशु, अगर देखा जाए तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है, तो आखिर किस प्रकार से मस्जिद के अंदर नमाज अदा की जाएगी, क्या कुछ पुलिस ने गाइडलाइन जारी करी है नमाज को लेकर? शहर के अंदर से 500 से ऊपर मस्जिद है, तो प्रशासन की तरफ से और धर्म गुरुओं की तरफ से कहा गया है कि एक जगह पे ना इकट्ठा हो, छोटे मस्जिदों में भी जाके नमाजी अपने नमाज को अदा करें। वहीं आपको बताएं कि जो वक्फ बोर्ड के तमाम धर्म गुरु हैं, सीएम वक्फ बोर्ड के
धर्मगुरु है उनकी तरफ से अपील भी की गई है कि आप सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम ना करें, अमन चैन का पैगाम दें और पूरे एकता के साथ जाकर और देश की अखंडता में कहीं कमी दे। और नवाज शरीफ साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि विशेष रूप से कोई नारेबाजी नहीं करे, इस देश में कानून का राज है और कानून के दायरे में जो भी आएगा उसे अगर वो किसी तरह का कृत करता है, अगर अनैतिक करता है तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर खान आपको बताए कि जो धर्मगुरु है मुस्लिम समाज के उनकी तरफ से निर्देश जारी करके नवाजियों को अपील किया गया है कि आप इकट्ठा होकर नारेबाजी ना करें। वहीं आपको बताएं कि प्रशासन की तरफ से भी आपने कल देखा सामने कि अनेक जगहों पर लखनऊ के चाहे बात की जाए मलियाबाद से लेकर और लखनऊ के तिवारी गंज तक अनेकों जगहों पर अनेकों पुलिस चौकियां उनकी तरफ से फ्लैग मार्च निकाल कर और शांति की अपील की गई। अब देखने की बात ये उसकी नवाज को लेकर जो प्रशासन की तैयारी है वो कितना सफल होती है। वही अगर बात करें तो लखनऊ पूरे देखे तो मुस्तैदी के साथ अनेकों जगहों पर जो ऊंची इमारतें हैं मस्जिदों के पास वहाँ ड्रोन कैमरे से देखकर अगर ईंट या मलबा इकट्ठा है तो उसे खाली करवाने का भी काम किया जा रहा है जो घर के स्वामी है उनसे कहकर। साथ ही साथ ऐसे भी तत्वों पर नजर रखे गए हैं। वहीं आपको बताएं कि जितने शहर के अंदर में कैमरे लगे हैं उससे भी निगरानी की जा रही है और खासकर अगर देखें तो दुकानों को भी अपील की गई है जो मस्जिदों के पास है जहाँ कैमरे लगे हैं वो अपने कैमरे को चालू रखे। साथ ही साथ आपको बताएं कि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर दी गई है। वहीं बैकअप के तौर पर रैपिड एक्शन फोर्स RAF को लगाया गया है, CRPF को भी लगाया गया है जहाँ जरूरत है। वहीं अगर मुस्कान बात करें तो आज के नमाज पे कहीं ना कहीं देखे तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और उसके लिए तैयारियां की गई है। बीते दिन आपने देखा कि प्रदेश के अलग जगहों से घटनाएं आई मगर लखनऊ में अमन चैन पूरी तरह से बना हुआ था और खासकर अगर देखे तो लखनऊ में दंगे नहीं होते हैं उसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। अच्छा अगर देखा जाए तो लखनऊ में तो जो सोशल मीडिया सेल्स है वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है और वो लगातार सोशल मीडिया पर अपनी पैनी नजर बनाई हुई है, लेकिन रायबरेली में किस तरह से सोशल मीडिया की निगरानी की जा रही है, क्या कुछ पुलिस द्वारा एक्शन प्लान तैयार किया गया है सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखने के लिए? नजर बनाए रखे हुए हैं, अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी क्योंकि सोशल मीडिया पर बात की जाए तो साइबर सेल जो है लगातार लगा हुआ है कि क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि जुम्मे की नमाज को लेकर, तो अगर बात की जाए चाहे वो तहसील प्रशासन हो चाहे वो जिला प्रशासन हो या चाहे फिर थाना प्रशासन हो लगातार सबको लगा दिया गया है और यहाँ पर ड्रोन से जो लगातार निगरानी की जा रही है क्योंकि लगातार जो लोग चल रहे हैं उनसे लगातार बातचीत किया जा रहा है, मस्जिद लोग यहाँ पर खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अगर पुलिस प्रशासन मौजूद है धन्यवाद लखनऊ से विभांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और रायबरेली से अजय प्रताप इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है जुम्मे की नमाज को लेकर, पुलिस प्रशासन फुल एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है ताकि जनपद में जो प्रदेश के कई जनपद है उनमें कहीं से भी हिंसा और दंगे की खबरें सामने ना आ सके। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है कि अगर किसी के भी घर की छतों पर अगर मलबा इकट्ठा हो तो उसे पुलिस द्वारा हटवाया जा रहा है, ईंट पत्थर जो भी रखा है वो भी हटवाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जब बीते दिनों जब हिंसा की खबरें सामने आई थी तो ये भी निकल के सामने आया था कि जो पत्थरबाज है वो घर की छतों को अपना वो बना रहे हैं, अपना सेफ प्लेस बना रहे हैं ताकि वहां से खड़े होकर वो पुलिस पर जो आम जनता है उस पर पत्थरबाजी कर सके। यही वजह है कि अब घर की छतों की अच्छे से चेकिंग की जा रही है, CCTV कैमरे की मदद से चेकिंग की जा रही है, ड्रोन कैमरे की मदद से की जा रही है, साथ ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस द्वारा पैदल गश्त करके धर्मगुरुओं से आम जनता से अपील की जा रही है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस जुम्मे की नमाज को अदा करें, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी पुलिस बल जो है वो पैदल गश्त करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आप प्रदेश के चार अलग अलग जनपदों की तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से चंदौली में पुलिस प्रशासन द्वारा जो है वो ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और ड्रोन को उड़ाया जा रहा है। वहीं अगर श्रावस्ती, अलीगढ़, आगरा और बुलंदशहर की बात करें तो वहां पर जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और पैदल गश्त के जरिए, फ्लैग मार्च के जरिए जनता को सुरक्षा का एहसास करा रही है, साथ ही जनपद में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम रहे इसको लेकर भी
पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, यानी कि साफ तौर पर कहा जाए कि पूरे प्रदेश में इस वक्त मस्जिदों के बाहर का एरिया छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से हिंसा की खबरें सामने ना आने पाए। साथ ही अगर देखा जाए तो इस दौरान मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं के साथ बैठक भी की गई है, उनसे अपील भी की गई है कि वो लोगों को समझाए कि वो ज्यादा से ज्यादा घरों में रहकर नमाज अदा करें या फिर जो छोटी छोटी मस्जिदें हैं उन पर जाकर नमाज अदा करें। वहीं अगर बात प्रदेश की राजधानी लखनऊ की करें तो यहाँ पर धारा 144 लागू है, इसको लेकर भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस के अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं आप चार तस्वीरें देख सकते हैं, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, चंदौली, श्रावस्ती, कानपुर से शुरू हुई हिंसा की आग कहीं ना कहीं हमने देखा कि किस तरह से बीते जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में फैलती हुई नजर आ रही थी। सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें इस दौरान प्रयागराज से सामने आई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता पवन पटेल और बुलंदशहर से हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, अगर देखा जाए तो बीते दिनों प्रयागराज से हिंसा की खबरें सामने आई थी, पूरे प्रदेश ने वहां पर उपद्रव और दंगे की तस्वीरें देखी थी, तो आज अब फिर से एक बार जुम्मे की नमाज होने जा रही है तो उसको लेकर क्या कुछ वहां का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से पिछले जुमे की बात की जाए तो जिस तरीके से प्रयागराज की सड़कों पर दंगा की जो तस्वीरें सामने आई थी निश्चित रूप से एक बहुत बड़े सवाल को खड़ा कर गई थी। हालांकि आज जिस तरीके से जुमे की नमाज होनी है ऐसे में पुलिस प्रशासन ने कमर कस रखी है, पूरे अटाला क्षेत्र को या शहर के जो गलियां हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स RAF या PSC के जवान तथा पुलिस कर्मी लगाए गए हैं और जगह जगह ड्रोन कैमरे चलाए जा रहे हैं और गलियों को देखा जा रहा है कि किन गलियों में लोगों की किस तरह की जो चहलकदमी है या जो लोगों की वहां पर प्रतिक्रिया है किस तरह की है। इस तरीके से अगर बात की जाए आज की तो आज जिस तरीके से जुमे की नमाज होनी है पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस रखी है और आज निश्चित रूप से पूरी तरीके से शांति के साथ नमाज को अदा की जाएगी। जी मुस्कान, विशाल, अगर देखा जाए तो जुम्मे की नमाज को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं भड़कने पाए, कोई हिंसा की खबर सामने ना आने पाए। तो अभी मस्जिदों के बाहर का माहौल कैसा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ मस्जिदों के बाहर आप देख सकते हैं? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि नमाज जो अदा की जाएगी वो शांतिपूर्वक की जाएगी। जी, तो इस वक्त वहां का माहौल कैसा बना हुआ है, मस्जिदों के बाहर पुलिस प्रशासन कितनी संख्या में तैनात नजर आ रहा है? पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है और चार सेक्टरों में बांटा गया है और प्रशासन की निगरानी में CCTV कैमरे और दो कैमरे की निगरानी से नमाज अदा की जाएगी। पवन, अगर देखा जाए तो प्रयागराज की हिंसा को भड़के हुए एक हफ्ते का समय बीत चुका है तो पुलिस द्वारा अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है इन 7 दिनों में? जी विशाल, कानपुर को देखते हुए कानपुर में जो टकराव हुआ था उसको देखते हुए प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट दिखाई दे रहा है। जी पवन, अगर देखा जाए तो जो जुम्मे की नमाज को हिंसा हुई थी उससे अब एक हफ्ते का समय आज पूरा होने को है तो इन 7 दिनों में पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई? जी पवन, पवन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम उनसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तब तक चलते हैं विशाल आपके पास। विशाल, आज जुम्मे की नमाज है, वहीं संवेदनशील इलाकों में पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए पुलिस ने क्या कुछ हथकंडे अपनाए हैं? प्रशासन ने सोशल मीडिया को देखते हुए अपने प्रशासन ने बताया कि LIO को भी नजर किया गया है और मुखबरी सूचना के आधार पर लोगों के खिलाफ जो दंगा फसाद करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पवन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
हम दोबारा अपने संवाददाता से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए और विशाल बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से जो हमारे संवाददाता है वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, यानी कि मस्जिदों के बाहर मौजूद है, और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस के अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद है। वही अगर देखा जाए तो इस वक्त आप 4 से 5 तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे मुस्तैदी के साथ जो मस्जिदें हैं उन पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि बीते 2 जुमे की नमाज से पूरे दौरान हिंसा की खबरें सामने आई थी। वहीं इस दौरान आज जुम्मे की नमाज है और हिंसा की खबरें सामने ना आने पाए, इसको लेकर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र स्थानक जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो 3 जून को हुई कानपुर में जो हिंसा थी और आज एक बार फिर से जुम्मे की नमाज है, तो इसको लेकर पुलिस ने क्या कुछ तैयारियां की हुई है? आज जुमे की नमाज है, तीसरा जुमा है यहाँ पे, हिंसा के बाद से तीसरा जुमा है और यहाँ पे कानपुर में देखा जाए तो पुलिस जो है पूरी तरीके से सक्रिय है। 3 पॉइंट बनाए पुलिस ने, उसमें ड्रोन कैमरे और 50 वीडियोग्राफर कैमरे जो रिकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद पुलिस जो है जगह चप्पे चप्पे पे पूरी तरीके से नजर रखी हुई है। और आप पता चले कि हम अपने कैमरा से दिखाना कहना चाहेंगे सागर से कि दिखाए मस्जिद के पास किस तरीके से पुलिस पूरी पीएसी बटालियन जो है पूरी तैनात खड़ी हुई है मस्जिद के पास। और जस्ट थोड़ी दूर पर देखिए फायर ब्रिगेड खड़ा हुआ है, फायर ब्रिगेड के पास वो चंदेश्वर हाथा जहाँ जफर आसमी का घर बना हुआ है। पूरी तरीके से पुलिस जो है, आपको लाइव तस्वीरें प्राइम टीवी में दिखाए हैं कि जो यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस जो है पुलिस से मुस्तैद है। बाजार जो है लगभग देखा जाए तो 60% बाजार जो है वो बंद है और जो नमाजी हैं वो भी नमाज जुमे की नमाज अदा करने आएंगे। उसके बाद और आप असले कि जो ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश त्रिवेदी हैं वो जो हैं पूरी तरीके से इस मामले को सक्रिय है, मतलब गली गली में और सब जगह पॉइंटों पर सक्रिय है। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो वहां के शहर काजी जो है उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जुम्मे की नमाज को लेकर क्या कुछ अपील की गई है कि वो किस तरह से जुम्मे की नमाज अदा करें, क्योंकि देखा जाए तो कानपुर में धारा 144 लागू है। जी आपको पता चले बिल्कुल सही है, धारा 144 कानपुर में लागू है और शहर काजी के साफ कहना है कि आप नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद आप नमाज अदा करने के बाद तुरंत ही आप अपने घरों की तरफ जाएं या अपने व्यापार की तरफ देखें जा करके। और उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं सही शहर काजी का अपील है लोगों से, नमाजियों से, कि नमाज पढ़ने के बाद और उसके बाद किसी तरीके से हिंसा जो ना हो सके। और आपको दिखाते चले लाइव तस्वीर दिखाते चले किस तरीके से जो है हाथे के बाहर जो है पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और जो यहाँ से देखा जाए तो पूरा व्यापार एक तरह से देखा जाए तो ठप है पूरा, धारा 144 लागू होने के बाद कानपुर में। उसके बाद ये जो जफर को लेकर के कई लोगों के डिटेल निकल के आई, सामने निकल के आई है। और उसके बाद उसमें जो है बताते चले कि आपको जफर हाशमी का जो भतीजा है आसिफ है उसको सुकानपुर से उन्नाव जिले की पुलिस ने हिंसा के दिन जो है उसको पहले से ही एक असला के तमंचे में लगा करके उसको जेल भेज दिया गया है। और उसको भी जी उपेंद्र क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त हमारे जो संवाददाता है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, कि वही जगह है जहां पर 3 जून को जुम्मे की नमाज के दिन हिंसा हुई थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह पुलिस प्रशासन वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। उपेंद्र क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको जो पुलिस जो है हाथे के जो चारों तरफ है वो बिल्कुल शांति बनाने के लिए जो पुलिस मुस्तैद हर तरीके से ड्रोन कैमरे से और वीडियोग्राफी बिल्कुल रिकॉर्डिंग चालू है। और हर पल पल की खबर जो उसके मॉनिटरिंग जो आईपीएस अजय पाल शर्मा है वो ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर कानपुर जो है बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी तरीके से। आईपीएस चारू मिश्रा भी हैं, वो लगातार जो है इसमें फ्लैग मार्च पैदल मार्च जो है लगातार जारी है। और आपको बताते चले हाल ही में जो जफर आजमी के अकाउंट से जो नंबर निकाले गए थे उसमें निजाम कुरैशी समाजवादी पार्टी के जो नेता था उसको पुलिस ने जो है रिमांड के लिए अपील डाली हुई है कोर्ट में। और जफर आजमी की रिमांड जो है उसको 52 दिन के लिए 52 घंटे के लिए अपील और बढ़ाई गई है, जिसमें कि आपको पता चला कल कानपुर में जो है नवाबगंज थाने में जफर आसमी सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक जो पूछताछ इसमें हुई है उसमें कई खुलासे हुए हैं। अब देखना यह है कि जो पुलिस है, जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर जो है कमिश्नर साहब जो है वो खुद मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं हर एक पल पल की बातें।
जी उपेंद्र, उपेंद्र अगर देखा जाए तो इस वक्त आपके पीछे जो भारी पुलिस बल तैनात नजर आ रही है, तो इस दौरान क्या पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद है, और वहां मौजूद है तो उनसे इस बारे में जानने की कोशिश करें कि क्या कुछ और तैयारियां पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है आज के दिन को शांतिपूर्ण तरीके से बिताने के लिए। जी आप बताते हैं, यहाँ अधिकारी तो नहीं है, पर हाँ ये कि जो भी पुलिस बल यहाँ तैनात है उसके आपको बताते चले कि जो पूरी तरीके से पुलिस के होल्ड में कंट्रोल में पूरा मामला है। और अपने कैमरा पर्सन से दिखाना कहना चाहूंगा कि जिस मस्जिद पर भी नमाज पढ़ी जाएगी जुमे की, वो मस्जिद में वहाँ PSC बटालियन जो है पूरी तरीके से तैनात है। उसके बाद आपको पता चले बाजार जो बाजारे हैं वो बाजारे पूरी तरीके से बंद है, और उसके बाद जो है जो ये सुचारू रूप से पूरी तरीके से जो यातायात है वो पूरा चालू है, उस पर किसी तरीके से कोई रोक नहीं है। और पुलिस का साफ कहना है कि आप लोग शांति प्रिय बनाए रखें, जो नमाज अदा करनी है वो नमाज को पूरी तरीके से अदा करें और अपने अपने घर जाएं। बिल्कुल उपेंद्र, अगर देखा जाए तो अभी आपने बताया और आपने तस्वीरों में भी दिखाया कि किस तरह से जो इलाका है वहां पे तकरीबन 60% की दुकानें जो है वो बंद है, तो क्या दुकानें पुलिस द्वारा बंद कराई गई है या वहां की जनता ने खुद से ही बंद करी हुई है? जी आप बताते हैं कि जो दुकानें बंद नहीं कराई गई है, ये जो नमाजी यहाँ के हैं वो खुद अपने स्वेच्छा से जो दुकानें हैं वो किसी ने बंद रखी है। आदमी अपने इच्छा अनुसार पुलिस ने पूरा पूरे छूट दे रखी है कि अपना व्यापार चालू करिए, और व्यापारी बाहर के व्यापारी जो यहाँ आते थे वो आना भी लगभग चालू हो गए हैं, पर 75% जो बिजनेस है अभी सुचारू से चालू है, अभी पूरी तरीके से नहीं चालू है। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो 3 जून को जो कानपुर में हिंसा भड़की थी उसके बाद आज ये तीसरे जुम्मे की नमाज कानपुर में अदा होने जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ने ऐसे कौन कौन से बड़े खुलासे किए हैं इस पूरे हिंसा को लेकर? जी आप बता चले, खुलासे को देखा जाए तो पूरी तरीके से तो खुलासा पुलिस अभी पूरी तरीके से नहीं कर पाई। इसमें जो है निजाम कुरैशी जो समाजवादी पार्टी के नेता था उसको रिमांड पर लेने के बाद, जो जफर का भतीजा जो आसिफ है उसको भी पुलिस जो है कल रिमांड पर लेने के बाद और बड़े बड़े खुलासे करेगी, जिसमें जहां तक समाजवादी पार्टी के अच्छे मतलब पदाधिकारियों के जो है उसमें संवेदनशील में अभी पॉइंट में देखा है, तो अभी पूरी तरीके से पुलिस जो है अभी ओपन नहीं करी पूरी बात को। बिल्कुल उपेंद्र, अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता को तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब जफर की कॉल डिटेल सामने आए तो उसमें कुछ पुलिस कर्मियों के नाम भी सामने आए, तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की जा चुकी है? जी आपको बता चले, पुलिस कर्मियों पर केवल अभी ACP अनवरगंज और बेकरगंज पुलिस के अलावा अभी तक कोई, चूंकि कल जो है जफर आजमी के पूछताछ के दौरान जो है लगभग 24 पुलिस कर्मियों का नाम आए थे जो बिल्कुल करीबी थे, व्हाट्सएप पे चैटिंग थी उनकी। अभी देखना अब ये है कि जो ATS के राहुल मिठास हैं, जो IPS राहुल मिठास है, वो कार्रवाई किस तरीके से करते हैं, ये अभी किसी तरीके से प्रशासनिक जो आधिकारिक बाइट नहीं दी गई। धन्यवाद उपेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने कानपुर से देखा जहां से इस हिंसा की शुरुआत हुई थी, जहां से हिंसा की आग निकली थी, वहां पर हमारे संवाददाता इस वक्त उपेंद्र मौजूद थे मस्जिद के बाहर, और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से PSC बल और भारी पुलिस बल जो है वो मस्जिद के बाहर तैनात है, वो उस संवेदनशील इलाके में तैनात है जहां 3 जून को हिंसा भड़की थी, जहां आंसू गैस के गोले पुलिस को दागने पड़े थे, जहां पर पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए गए थे। ये वही जगह है जहां नाबालिग हिंसक बन के बाहर निकले थे। अभी आपने देखा कि किस तरह से वहां पर आज हिंसा के बाद ये तीसरे जुमे की नमाज वहां पर अदा होने जा रही है, जिसको लेकर PSA बल पूरी तरह से तैनात है। साथ ही अगर देखा जाए तो इस एरिया में जितने भी घर बने हैं वहां पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, ताकि अगर किसी भी घर की छतों पर कोई भी पत्थर रखे हो, कोई भी ऐसा पदार्थ रखा हो जिससे नुकसान पहुंच सके, तो उन सभी को मकान मालिकों से बात करके हटवाया जा रहा है। तो एक्टिव मोड में पुलिस प्रशासन आ चुका है पूरी तरह से, जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। साथ ही ये भी कहा जाए कि बीते दिनों जो हिंसा की खबर कानपुर से सामने आए थे, जिसकी चिंगारी प्रदेश के कई जनपदों में लगते हुए नजर आ रही थी, वैसी खबरें इस बार जुम्मे के दिन सामने ना आने पाए, इसको लेकर पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम करता हुआ नजर आ रहा है। जो पुलिस है वो पूरी तरह से मस्जिदों के बाहर भारी संख्या में तैनात है, जिससे कहीं से भी कोई भी हिंसा की ऐसी खबरें ना आने पाए। जो प्रदेश ने बीते दिनों हिंसा की खबर देखी, जो दंगे की खबर देखी, जो तस्वीरें देखी, उन सभी तस्वीरों का गवाह प्रदेश बना था, लेकिन अब कोई भी ऐसी तस्वीरें प्रदेश के जनपदों से सामने ना आने पाए, इसको लेकर पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।